चलिए बात करेंगे कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर श्रद्धालुओं ने उगते सूरज को अर्घ्य देकर सबके कल्याण की कामना की। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने भी छठ घाट पर पहुंचकर सूर्य देवता को अर्घ्य दिया। इससे पहले छठ पर्व पर व्रती महिलाओं ने पूजा करके संतान और परिवार की खुशहाली की कामना की। ब्रह्म सरोवर के पास पूर्वांचल के लोगों के लिए धर्मशाला बनाने की घोषणा पर स्थानीय लोगों ने विधायक और सांसद का आभार जताया। छठी मैया से यही मेरा निवेदन है कि लोगों के अंदर भावना पैदा हो, लोगों के अंदर जागृति पैदा हो, लोगों के दिमाग में ये बात हमारे सभी देवी देवता और छठी मैया डालने का काम करें। आज सूर्योदय के समय जो ये आरती हुई है, इस आरती का प्रभाव निश्चित तरीके से पूरे देश में और हमारे हरियाणा प्रदेश में जाएगा, जिसकी इसकी शुरुआत कुरुक्षेत्र से हो रही है और कुरुक्षेत्र जो है निश्चित तरीके से पूरे हरियाणा प्रदेश को नशा मुक्त बनाएगा और पूरे देश को नशा मुक्त। मैं स्थानीय विधायक और सांसद जी को पूर्वांचल सभा की तरफ से, पूर्वांचल के लोगों की तरफ से ये धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो सौगात की है पूर्वांचल के लिए, बहुत बड़ा भवन का निर्माण कर रहे हैं और पूर्वांचलियों के लिए इससे बड़ा सौभाग्य नहीं है कि मतलब हमें अपना भवन, पूर्वांचल भवन, वो भी कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पे मिल रही है। आस्था और श्रद्धा विश्वास अटूट होता है तो उस वक्त ठंड वगैरह ये कुछ नहीं लगती है और छठ मैया अपने आप शक्ति देती है कि हम अपने जब अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए, अपने बच्चों के सुख समृद्धि के लिए और अपने शहर के सुख समृद्धि के लिए।